यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम की यूनिट 4 हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है GSHS की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी फीडबैक जो ब्लॉक होता है उसका GSHS, तो यहाँ पर GSHS की वैल्यू दे रखी है 10/S+1 S+5। तो यहाँ पर जब जब हम मैप बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मैप क्या है, मैप सिग्नल के लिए है ये, यानी 1 S की पावर 1, यानी S1 के लिए हम बनाए मैप, तो S1 के लिए यहाँ पर मैप बनेगा। लेकिन S2 के लिए बनाए, यानी S की पावर 2, ओरिजिन पर 2 है, तो ओरिजिन पर 2 होंगे तो यहाँ पर जैसे ओरिजिन पर 2 हो जाएंगे, एक 0 से स्टार्ट होगा ओरिजिन पर खत्म होगा, तो ये क्या है, टाइप 2 सिस्टम के लिए। इस तरीके से ये हमारा टाइप 1 सिस्टम के लिए है, ये मैप है टाइप 2 सिस्टम के लिए, यानी S2 के लिए। तो यहाँ पर ये मैप हो जाएगा इसका, यानी टाइप 1 के लिए यहाँ पर, टाइप 2 के लिए यहाँ पर आ जाएगा, वो काट कर यहाँ पर आएगा टाइप 2 के लिए। तो जैसे GSHS दे रखा है 10/S², क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S² आएगा, जैसे एस और एस को मल्टीप्लाई किया तो S² आएगा, एस और 5 को मल्टीप्लाई किया 5S आएगा, 1 और एस को मल्टीप्लाई किया S आएगा, और 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया 5 आएगा, यानी S² + 6S + 5, यानी कि S² आ रहा है यहाँ पर ओरिजिन पर। तो ओरिजिन की वजह से S² आ रहा है, तो इसका मतलब हम दे देंगे 10/R→∞, यानी रेडियस इन्फाइनाइट हमने ले ली, R²e की पावर, यानी S² की जगह R आ गया, S की जगह R²e की पावर j2θ। तो ये थीटा की, ये जो थीटा की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये थीटा की वैल्यू +π/2 से -π/2 जाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, क्योंकि ये 0 आ जाएगा R², क्योंकि R की वैल्यू इन्फाइनेट है, यानी 10/∞ कोई भी किसी वैल्यू में जब इन्फाइनेट का हम भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा e की पावर j2θ, क्योंकि 1/∞ करते हैं, इन्फाइनेट का मान होता है 1/0, यानी कि 1/0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो e की पावर -j2θ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पर, +π/2 से -π/2 आ सकती है, तो ये यहाँ पर +π/2 यानी 90 डिग्री यहाँ से है, -π/2 यानी कि यहाँ पर, और R की वैल्यू इन्फाइनेट, यानी रेडियस हमारी यहाँ पर इन्फाइनेट है, ये कितनी भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे e की पावर -j2θ की वैल्यू π/2 से हमने ले ली 0 e की पावर j2π/2, तो यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर -j π से 0 e की पावर +j π, यानी कि हमारा जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो इस तरीके से बनेगी, तो ये हमारा लोकस बन जाएगा एक तरीके से, ये इस तरीके से लोकस बनेगा, और R की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो आर की वैल्यू 0 में सर्कल बन जाएगा। अगर मैप S3 के लिए बनाए हम, मैप S3 के लिए कैसे बनेगा, मैप S3 के लिए ऐसे बनेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट होगा ये S3 के लिए, इस तरीके से ये S3 के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कि S1 के लिए हमने मैप कहाँ से बनाया, यहाँ पर बनाया, S2 के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, S3 के लिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो S3 के लिए यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पर स्टार्ट किया, यानी कि ये मैप इस तरीके से आ रहा है S3 के लिए। तो यहाँ पर S3 के लिए मैप बनाते हैं, तो S3 के लिए मैप जैसे कि ये बन गया, पॉजिटिव में गया हमारा S3 के लिए, और S1 के लिए नेगेटिव में चला जाएगा, ये मैप हो गया हमारा S3 के लिए, ये से -1 है। तो यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट में n=0, यानी जो नंबर ऑफ पोल =0, नंबर ऑफ काउंटर =0, यानी कि जो इसका ओरिजिन का जो टर्न ले रहा है वो 0 है, एक भी टर्न कंप्लीट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो निकाले हम 0, तो 0 - z, तो 0 - z से हमारा z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स है यहाँ पर लाइंग इन RHS साइड 0,
तो क्लोज लूप पोल जेड इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्लोज लूप पोल है जो आर एच एस में आर एच एस की साइड में होंगे वो भी जीरो होंगे। दैट आल्सो शो दैट द साइन चेंज इन राउथ हर्ट्ज इज जीरो, दैट मीन सिस्टम इज स्टेबल। अगर कोई भी नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स हैं आर एच एस में एक भी नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर एच क्राइटेरिया वाले जो टेबल है, आर एच क्राइटेरिया वाले टेबल के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा और सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। अगर जेड की वैल्यू जीरो आएगी तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखें, ड्रॉ न्यूक्विस्ट प्लॉट फॉर द सिस्टम। तो सिस्टम दिया हुआ है एस प्लस 0.25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस एस स्क्वायर एस प्लस वन और एस प्लस 0.5। इसका नाइक्विस्ट प्लॉट हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एस की जगह जे ओमेगा लिख दिया, एस की जगह जे ओमेगा रख दिया, तो जे ओमेगा प्लस 0.25 डिवाइड बाई जे ओमेगा स्क्वायर, जे ओमेगा प्लस 1 और ये जे ओमेगा प्लस 0.5। तो मोड निकाल दिया हमने जे ओमेगा का, मोड निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 0.25 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा मोड में अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब हमने ये मोड निकाल लिया, मोड के बाद में एंगल हम निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। तो जैसे कि ऊपर यहाँ पर, जैसे कि इसके लिए ये ऊपर जाएगा तो -180 डिग्री, क्योंकि एक के लिए 90 होता है और दो के लिए -180 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, जैसे एक के लिए हमारा 90 होगा, जैसे एक है एस तो 90 होगा, अगर एस स्क्वायर है तो -180 होगा, यानी यहाँ पर देखें -180 और एस की पावर 3 है तो 273 हो गया। अगर जैसे 273 इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर, तो ये -180 हो गया। फिर टेन इनवर्स इसके लिए हम देखें, पहले इसके लिए प्लस का, इसके लिए देखेंगे प्लस का आएगा, प्लस का टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 0.5, माइनस का आएगा इसके लिए टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 1, और फिर इसके लिए भी माइनस का आएगा, इस चीज के लिए भी टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 0.5। तो ये आ जाएगा -180 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस 8 ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है और यहाँ पर आ गया 1 प्लस 10 ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में हम रखते हैं जीरो, ओमेगा की वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा का मोड जो होगा, मोड यहाँ पर इन्फाइनेट आ जाएगा जैसे जीरो रखेंगे, क्योंकि नीचे जीरो का भाग देंगे तो इन्फाइनेट आ जाएगा। और जी ऑफ जे ओमेगा एंगल है वो हमारा -180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स इन्फाइनेट क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फाइनेट जीरो होता है, टेन इनवर्स इन्फाइनेट तो जीरो हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो जीरो 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 हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो -180 हो जाएगा। और जैसे ही हम ओमेगा की वैल्यू 1/8 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर है -1/8, 1 1 -8, तो 1/8 हम रखते हैं तो अंडर रूट 0.25 आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। इसका मतलब हम रखते हैं अंडर रूट 0.25 ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हमने रखी अंडर रूट 0.25, तो अंडर रूट 0.25 स्ट्रक्चर रख रहे हैं, हमने सॉल्व किया इसको तो 5.3 आ जाएगा सेकंड कंडीशन में जी ऑफ जे ओमेगा। और एंगल कितना आ जाएगा, जी ऑफ जे अंडर रूट 0.25, तो -180 डिग्री आएगा। ओमेगा की वैल्यू थर्ड रखते हैं हम इन्फाइनेट, तो एक जीरो रखते हैं, एक ओमेगा की कुछ वैल्यू रख देते हैं, एक इन्फाइनेट रख देते हैं, इन्फाइनेट रखेंगे तो ये जीरो आएगी जी ऑफ जे ओमेगा, और एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा आएगा -270 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन हमने की है, जनरल शेप ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट इज ड्रॉन एज गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टाइप 2 सिस्टम, द प्लॉट कंप्लीट फ्रॉम माय ओमेगा इक्वल टू -0 टू +0 थ्रॉच एंगल ऑफ -2 पाई विद द इनफाइनाइट रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, तो रेडियस हमारी जैसे कि इनफाइनाइट है यहाँ पर, और एंगल हमारा -180 है, यानी कि -2 पाई से एंगल हमारा ड्रॉ करेगा, -2 पाई विथ इनफाइनाइट रेडियस, और ओमेगा की वैल्यू 0 से +0 पे जा रही है।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, ये एंगल हमारा गया यहाँ से जैसे कि -180 से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, फिर ये हमारा जाएगा इस प्लॉट पर, ये ओमेगा इक्वल टू -0 है, ओमेगा की वैल्यू 5.4 है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है ओमेगा की वैल्यू 5.3 5.4 ये वाली। तो नेक्स्ट हम देखें कि ये ओमेगा प्लस इनफाइनाइट है राइट साइड में और ये माइनस इनफाइनाइट है रेड वाला, ओमेगा की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ओमेगा यहाँ पर 0 है, ये हमारा प्लस रियल एक्सिस है, ये हमारा माइनस रियल एक्सिस है। तो यहाँ पर हम देखें द नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट एन ऑफ द पॉइंट -1 प्लस J0 बाय द न्यूक्विस्ट प्लॉट इज -2। तो दो बार हो रहा है, एक बार तो यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है, दो बार हो रहा है। न्यूक्विस्ट प्लॉट इज -2 यानी क्लॉकवाइज एंड पी इक्वल टू 0, देयरफॉर पी प्लस इज नंबर ऑफ पोल ऑन दी पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड जेड प्लस इज नंबर ऑफ 0 ऑन दी प्लस रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज एन इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस, एन इक्वल टू -2 दे रखा है क्योंकि क्लॉकवाइज दे रखा है दोनों, -2 इक्वल टू 0, पोल हमारा 0 है, पोल ऑन द रियल पार्ट एंड 0 हमारा जेड प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो जेड प्लस की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस इज 2। तो थस द क्लोज लूप करेक्टिस इक्वेशन हैज टू रूट विथ द पॉजिटिव टू पॉजिटिव रियल पार्ट एंड इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल, तो ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखें बोर्ड प्लॉट, बोर्ड प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बोर्ड प्लॉट के लिए जैसे कि करेक्टिस इक्वेशन रखी है जी ऑफ 1+STA एंड 1+STV एंड एस की पावर एन 1+ST1 1+ST2 एंड 1+2 जी ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन एंड प्लस जे ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर हम टाइप 0 सिस्टम के लिए के की वैल्यू के पी के इक्वल होगी और टाइप 1 सिस्टम के लिए के की वैल्यू के बी के इक्विवेलेंट होगी और टाइप 2 सिस्टम के लिए के बी की वैल्यू के ए के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि एस इक्वल टू जे ओमेगा जैसे रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा जैसे कि पूरी इक्वेशन है के 1+J ωT A 1+J ωT B जे ओमेगा की पावर एन 1+J ωT1 1+J ωT2 एंड 1+2 जी ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -20 log g ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा, -20 log k इसके लिए, -20 log 1+ω² इसके लिए और ये प्लस आ जाएगा इसके लिए प्लस, फिर माइनस आएगा इसके लिए -20 log 1+ω² t b² इसके लिए, यानी इसके लिए प्लस आ जाएगा, इसके लिए माइनस आ जाएगा और इसके लिए 20 log आ जाएगा, यानी प्लस प्लस और इसके लिए माइनस आ जाएगा। फेज एंगल हम देखें जी ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा और टेन इनवर्स ओमेगा टी ए, तो इसके लिए टेन इनवर्स ओमेगा टी ए प्लस टेन इनवर्स ओमेगा टी बी, इसके लिए भी प्लस आ गया टेन इनवर्स ओमेगा टी प्लस ओमेगा एन 90 डिग्री, इसके लिए एन 90 डिग्री आ गया, फिर टेन इनवर्स ओमेगा टी वन इसके लिए आ गया, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू इसके लिए और इस तरीके चलता जाएगा। ड्रॉ करने के लिए बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी होगी। दूसरा क्या है, ड्रॉ दी एसेम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड स्लोप चेंज विथ 0 दैट इज इक्वल टू 2 dB पर डिकेड एंड फॉर पोल इट इज -20 dB पर डिकेड। तो 0 के लिए +20 dB है पर डिकेड
और पोल के लिए -20 dB पर डिकेड है, पोल के लिए माइनस है और जीरो के लिए प्लस है। स्टेप थर्ड है, फोर जीरो टाइप ड्रॉ ए लाइन अप टू ए फर्स्ट लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हैविंग दी 0 dB स्लोप एंड फोर टाइप वन सिस्टम ड्रॉ ए लाइन हैविंग दी स्लोप ऑफ -20 dB एंड अप टू ओमेगा इक्वल टू के एंड मार्क दी फर्स्ट लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। टाइप टू सिस्टम के लिए स्लोप -40 dB पर डिकेड ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के एंड सिमिलरली एस की पावर एन के लिए अप टू ओमेगा एन अंडर रूट के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन अप टू ए सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बाई एडिंग दी स्लोप ऑफ नेक्स्ट पोल और जीरो टू दी प्रीवियस स्लोप एंड सो ऑन। कैलकुलेट दी फेज एंगल एंड प्लॉट देम फॉर दी डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा। जैसे कि हमें केस वन दिया हुआ है कि जी ऑफ एस इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा -20 log जी ऑफ जी ओमेगा दैट इज इक्वल टू -20 log 10 के। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ जी ऑफ जी ओमेगा इक्वल टू जीरो। केस सेकंड दिया हुआ है जी ऑफ एस डिवाइड बाई इक्वल टू 1/s की पावर एन, एस की एस इक्वल टू जी ओमेगा की पावर एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -20 log जी ऑफ जी ओमेगा -20 log 1/j जे ओमेगा की पावर एन दैट इज इक्वल टू माइनस दैट इज इक्वल टू 20 log 10 1/j ओमेगा की पावर एन। तो ये हो जाएगा 20 log जे ऑफ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस का 20 था ये माइनस का 20 हो जाएगा log 10 ओमेगा दैट इज इक्वल टू एंगल हम देखें जी ऑफ जे ओमेगा का -90 डिग्री आएगा। बहन बी प्लॉट मैग्नीट्यूड वर्सेज log 10 ओमेगा, व्हेन वी प्लॉट मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग 10 ओमेगा देन एन इक्वल टू 1 स्लोप इज -dB पर डिकेड एंड एंगल इज -90 डिग्री। फॉर एन इक्वल टू 2 स्लोप इक्वल टू -40 डिग्री पर डिकेड एंड एंगल इक्वल टू -90 डिग्री एंड सो ऑन। केस थर्ड है जी ऑफ एस है वो एस के इक्वल दे रखा है यानी एस इक्वल टू जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड है वो 20 log 10 जी ऑफ एंगल ओमेगा जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड है तो 20 log 10 ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर, तो जी ऑफ जे ओमेगा एंगल आ जाएगा +90 डिग्री। केस फोर है कि जी ऑफ एस हमें दे रखा है 1/1 + ST, तो एस की वैल्यू जी ओमेगा है, एस की वैल्यू जी ओमेगा है इसका मतलब मोड ऑफ जी ओमेगा इक्वल टू 1/1 + ω² t² तो 20 log 10 जी ऑफ जी ओमेगा का मोड है वो हो जाएगा 20 log 10 कोष्टक में हो जाएगा 1/1 + √ 1 + ω² टी स्क्वायर। तो ये 20 log 10 -20 log 10 1/ω² t² आ जाएगा -20 log 10 √ 1 + ω² t² और इफ ओमेगा टी इक्वल टू <t">(1) एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड ओमेगा टी इक्वल टू >> 1 देन -20 log 10 ω² t² ओमेगा की वैल्यू 1/T रख दी हमने, तो इसे हम कहते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/T दैट इज कॉल्ड कॉल्डन फ्रीक्वेंसी। तो एम 20 log ω प्लस माय प्लस 20 log 10 1/T आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल गो विथ दी -20 dB डिकेड पर स्लोप। केस फाइव है जैसे कि जी ऑफ एस एस दे रखा है 1 + s ऑफ t 1 + ST एस इक्वल टू जी ओमेगा रख दिया हमने, तो मोड है जी ऑफ जे एंगल जी ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + ω² t² आ गया। अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रखिए तो ओमेगा इक्वल टू 1/T दैट इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इफ एंड हैविंग द स्लोप ऑफ +20 dB पर डिकेड दैट इज टी ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 देन टेन इनवर्स इक्वल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट। इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट में जैसे कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस दैट इज इक्वल टू के अपॉन एस की पावर एन, के अपॉन एस की पावर एन दैट इज इक्वल टू एस इक्वल टू जे ओमेगा एंड जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू के अपॉन जे ऑफ ओमेगा की पावर एन एंड फॉर एन इक्वल टू 0 टाइप 0 सिस्टम के लिए है माइनस ये हो जाएगा 20 log 10 जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 20 log 10 k स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। फॉर एन इक्वल टू 1 टाइप 1 सिस्टम के लिए है इंटरसेक्शन विथ डीवी एक्सिस के इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। तो के इक्वल टू ओमेगा में यहाँ पर जैसे कि ये हमारा ओमेगा है
और ये हमारा क्या है, लॉग है, तो ये हो जाएगा 20 log 10 के। फॉर एन इक्वल टू टू, टाइप टू सिस्टम के लिए है, ये हो जाएगा 20 log 10 जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू वी गेट फाइनली। तो हम यहाँ पर जैसे 20 log जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा ये हमने फाइनली प्राप्त किया, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के लिख देंगे। ग्राफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव 0 dB एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के ऑन डी डीवी एक्सिस एंड ड्रॉ ए लाइन -20 dB पर डिग्री। यानी टाइप 0 सिस्टम है हमारे पास में, तो इनिशियल स्लोप है 0 होगा, इंटरसेक्शन विथ 0 एक्सिस। नेक्स्ट है टाइप 1 सिस्टम है, तो -20 dB पर होगा स्लोप और के पर इंटरसेक्शन होगा। टाइप 2 सिस्टम है, तो -40 डिग्री पर होगा, अंडर रूट के पर स्लोप इंटरसेक्शन होगा। अगर टाइप 3 सिस्टम है, तो -60 डिग्री डिकेड होगा, के की पावर 1/3 होगा। 4 है, तो -180 डिग्री पर के की पावर 1/4 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोर के लिए 80, एन के लिए -20 एन, और के की पावर 1/n, इंटरसेक्शन विद दी 0 एक्सिस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें स्टेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर गेन मार्जिन पॉजिटिव है इसका मतलब स्टेबल है, गेन मार्जिन नेगेटिव है इसका मतलब अनस्टेबल है। ऑल्सो गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ मस्ट बी पॉजिटिव फॉर दी सिस्टम स्टेबिलिटी, एंड गेन कोफिशिएंट फैक्टर एंड फेज कोफिशिएंट फैक्टर। तो गेन कोफिशिएंट फैक्टर यानी गेन कोफिशिएंट फैक्टर है ज्यादा है फेज कोफिशिएंट फैक्टर से, और गेन कोफिशिएंट है और फेज मार्जिन आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो अनस्टेबल होगा। गेन कोफिशिएंट फैक्टर और फेज कोफिशिएंट फैक्टर है, दोनों अगर इक्वल है तो मार्जिनल स्टेबल होगा। गेन मार्जिन के बारे में हम देखें, गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज द मार्जिन इन गेन अलाउड बाई विच द गेन कैन बी इंक्रीज टिल द सिस्टम रीच ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। यानी कि गेन मार्जिन वो है जितना हम गेन को इंक्रीज करते जाते हैं, और एक लिमिट आती जाती है कि इससे ज्यादा अगर हमने गेन को इंक्रीज कर दिया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो रेंज कहलाएगी, ये जो मार्जिन कहलाएगा, जो मार्जिन दिया जाता है मिनिमम वैल्यू ऑफ गेन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेन, दैट कैन अटेन दी अनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और इनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दैट मार्जिन इज कॉल्ड गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज द मार्जिन इन गेन अलाउबल इन विच द गेन कैन बी इंक्रीज टिल द सिस्टम इज ऑन वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो गेन मार्जिन होगा 1/g ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा c2, ये फेज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। गेन मार्जिन हो जाएगा -20 log 10 जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी टू। नेक्स्ट हम देखें फेज मार्जिन, फॉर गेन द एडिशनल फेज लैग कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो यहाँ पर गेन के लिए हम देखें, फॉर गेन द एडिशनल फेज लॉग कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड प्लॉट, द फेज मार्जिन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम एंड रीचेज ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन में क्या होगा, फेज मार्जिन में एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा c1 है, ये हो जाएगा -180 डिग्री, ये गेन मार्जिन हो जाएगा, यानी -180 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि एक सिस्टम दिया हुआ है 50 डिवाइड बाई s s प्लस 0.25 s +1 प्लस 0.51 s, तो ये हमें गेन गेन कोफिशिएंट फैक्टर फाइंड करना है, फेज कोफिशिएंट फैक्टर फाइंड करना है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन फाइंड करना है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम हमें बतानी है। टाइप वन सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर s है, और टाइप वन सिस्टम के लिए इनिशियल स्लोप है वो -20 dB पर डिकेड होगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकंड। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 है हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 1/(1) यानी 1/0.25, 4 रेडियन पर सेकंड -20 dB/d। और ओमेगा 2 की वैल्यू हम देखें, ओमेगा 2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 0.01, 0.1 है ये, 0.01 नहीं है, 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 के अकॉर्डिंग 10 रेडियन पर सेकंड है, तो ये भी 20 डिग्री पर डिग्री है। फेज टेबल हम बनाएं, फेज टेबल बनाएं जैसे कि टाइप 1, ओमेगा इक्वल टू 1 है, जे ऑफ ओमेगा -90 डिग्री आएगा, 10 बस 0.25 जे ओमेगा, 10 बस 0.25 ओमेगा,
जाएगा 5.71, और टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 0.25 ओमेगा। तो ये भी आ जाएगी हमारी 14.03, और रिजल्टेंट आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 109.74 आएगा। इसी तरीके से टू फेज टू के लिए निकालेंगे हम टेन इनवर्स 0.25, टाइप थ्री सिस्टम के लिए टाइप गेन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वन पर निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी टू पर निकाला, फ्रीक्वेंसी हम फाइव पर निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी टेन पर, फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी पर, फ्रीक्वेंसी फोर्टी पर, सिक्सटी पर, एट्टी पर, ट्वेंटी हंड्रेड पर, सब फ्रीक्वेंसी पर हम इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखें कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स हम देखते हैं नेक्स्ट। कंट्रोलर्स में देखें जैसे कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है जैसे 13 रेडियन पर सेकंड है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है 6.5 रेडियन पर सेकंड है, तो फेज मार्जिन आ जाएगा 0.34 माइनस 34 डिग्री, और गेन मार्जिन आ जाएगा -30 डिग्री। सिंस बोथ फेज मार्जिन गेन मार्जिन आर नेगेटिव एंड गेन मार्जिन गेन कोफिशिएंट फैक्टर दैट इज इक्वल ग्रेटर देन फेज कोफिशिएंट फैक्टर, देन दिस सिस्टम इज स्टेबल। तो गेन कोफिशिएंट फैक्टर फेज कोफिशिएंट फैक्टर से ज्यादा हो तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, दोनों नेगेटिव हैं और ये ज्यादा है तो स्टेबल होगा। और अगर गेन कोफिशिएंट फैक्टर है वो लेस देन है फेज कोफिशिएंट फैक्टर से तो स्टेबल होगा, तो ये यहाँ पर स्टेबल होगा। और ये जब ज्यादा गड़बड़ा है तो ये अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये ग्राफ पढ़ा है हमने, क्या होगा, सबसे पहले 0 डिग्री पर -20 डिग्री डिकेड है, -20 डिग्री डिकेड है, और ये क्या है, सबसे पहले किस फ्रीक्वेंसी पर डिकेड हो रहा है, जैसे कि 40 20 डिग्री डिकेड है, यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकंड है ओमेगा की वैल्यू, तो ये यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है, जैसे कि ये ओमेगा की वैल्यू है। अब क्या हुआ, जैसे कि इस ओमेगा 4 रेडियन पर है, तो 4 रेडियन पर क्या हो रखा है, -20 डीबी हो रखा है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखें 4 रेडियन पर -20 डिग्री और 10 रेडियन पर -20 डिग्री, तो 4 रेडियन पर -20 डिग्री डिकेड किया हमने तो ये हो गया 40 डिग्री, और फिर 10 रेडियन पर हम देखें 10 रेडियन यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो 10 रेडियन पर और 20 डिग्री यानी कि -60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 10 रेडियन पर हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ये तो हो गया हमारा गेन मार्जिन। अब फेज मार्जिन हम देखें, फेज मार्जिन हमारा जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ यहाँ पर, एंगल हमारा दिया हुआ है जैसे कि 10 रेडियन पर सेकंड पर या 40 डीबी पर, कितना दे रखा है, -180 डिग्री दे रखा है, जहां पर ये चेंज हो रहा है। और ये फेज मार्जिन इस पॉइंट पर देख लेंगे एक बार, और एक बार इस स्मॉल पॉइंट पर देख लेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा मेन फेज मार्जिन और यहाँ पर होगा गेन मार्जिन। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जीसीएफ क्या है हमारा, जीसीएफ है 18 रेडियन पर सेकंड है, और पीसीएफ फेज मार्जिन है 6.4 रेडियन पर सेकंड। और गेन मार्जिन है -20 13 डीबी, फेज मार्जिन है हमारा -34 रेडियन पर सेकेंड डिकेड, जीसीएफ है हमारा 18 रेडियन पर सेकेंड, और पीसीएफ है हमारा
6.4 रेडियन पर सेकेंड। तो देखें हम कि जी सी एफ है पीसीएफ से ज्यादा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं, गेन मार्जिन फेज मार्जिन, इसलिए अनस्टेबल है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2/s s+0.5s 1+0.05s PCF GM गेन मार्जिन फेज मार्जिन GCF हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे PCF है वो आ जाएगा एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये आ जाएगा -180 डिग्री की 90 से 90 से -180 डिग्री। एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा -90, -90 इसके लिए आ गया, -10 इनवर्स 0.5 इसके लिए आ गया, -10 इनवर्स 0.05 आ गया। तो ये हो जाएगा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा पूरा -180 डिग्री रेखा है, तो -180 डिग्री -90 10 इनवर्स 0.5 ओमेगा 10 इनवर्स 0.5 ओमेगा। तो फेज मार्जिन यानी पी सी एफ की वैल्यू जाएगी ओमेगा इक्वल टू 6.32 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा सी टी की वैल्यू जाएगी ओमेगा इक्वल टू 6.32 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स 10a+10b/1 - 10a 10b, तो ये 1 - 10a 10b हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रेंज फ्रीक्वेंसी हम देखें तो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा 2/j(6.32) 1+j(0.5) 6.32 × 1+j(0.05) 6.32। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी टू हम देखें तो ये आ जाएगी 0.0912, तो ये गेन मार्जिन आ जाएगा -20 log 10 जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी टू, तो ये आ जाएगा 20.4 dB। एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड इज 1, सो 1 इक्वल टू 2/ω 1+0.25 ω √1+0.0025 ω, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी डी रेडियन पर सेकेंड। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा सी वन दैट इज इक्वल टू 2/j(2j1+j1) एंड 1+0.5 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.707। एंगल है -140 डिग्री 0.71 डिग्री। जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -140.71 डिग्री। अगेन बाय डेफिनेशन फेज मार्जिन हम निकाले 180 प्लस एंगल ऑफ जे ओमेगा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा 180 -140.71, तो फेज मार्जिन आ जाएगा 39.28 डिग्री, ये हमारा फेज मार्जिन आ जाएगा। अब हम इसको निकालने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर कंपेयर टू ओमेगा एन प्लस इन टर्म टू फाइंड दी ओमेगा एंड एन रो वन ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एक जी एस एच एस की वैल्यू दे रखी है 48s+10 s+20 s² + 2.4 s+16। अगर इसको रीराइट करें हम तो 48 × s 10 10 कॉमन ले लिया 1+s की पावर 10 इंटू 16 ऊपर ले लिया हमने और नीचे आ जाएगा 20 × 16 s s/20 + 1 s² + 2.4 s+16, तो ये आ जाएगा 1.5 0.1s+16/s.0105s+1s² 2.4s+16, तो ये हो जाएगा 1.5 0.1s, s की जगह जो ओमेगा रख दिया हमने +1 × 0.16 जे ओमेगा आ गया इसकी जगह जे 0.05 ओम ओमेगा +1 एंड जे 2.4 ओमेगा +16 - ω². कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन √16 दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, तो ये -40 dB हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 0.01 दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, 20 dB/d हो गया। ओमेगा इक्वल टू 0.05 20 रेडियन पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू -20 dB। एंगल हो गया 10 इनवर्स 0.1 ω -90 - 10 इनवर्स 0.05 ω -180 - 10 इनवर्स 2.4 ω/16 - ω² ये हमारा एंगल हो जाएगा।